असेसमेंट टेस्ट का मेल मुझे यहाँ पर रिसीव हो गया है और अगर आप जैसे मैं प्रोसेसर आपको बताऊंगी उस प्रोसेसर को फॉलो करेंगे तो आपको भी ये मेल 100 परसेंट रिसीव होगा अभी यहाँ पे सदरलैंड हायरिंग कर रही है जो कि थर्ड पार्टी मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए यहाँ पे काम करते हैं बेसिकली ये एक सर्विस प्रोवाइडर है अभी यहाँ पे ये लोग मिंत्रा बैक ऑफिस एनालिस्ट के लिए हायरिंग कर रहे हैं लैपटॉप डेस्कटॉप वाईफाई हेडसेट मोबाइल फोन सब कुछ यहाँ पे आपको सदरलैंड प्रोवाइड करवाती है फॉर वर्क एट होम जॉब पोजिशन ट्वेल्थ पास अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास अभी लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है तो आप लोग यहाँ पे अपने मोबाइल फोन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो और जो असेसमेंट टेस्ट है उसको भी आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू ही दे सकते हो बहुत ही इजी असेसमेंट टेस्ट है जिसमें आपसे कस्टमर सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होंगे यहां पे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके साथ ही कंपनी आपको यहां पे कई सारे बेनिफिट्स भी देती है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो वर्क एट होम फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड अ ग्रेट करियर ऑल पॉसिबल विथ सदरलैंड एनीवेयर A leading provider of work-at-home solutions, Sutherland Anywhere, matches your skills and interests with the job opportunities, with deep experience across industries and geographics. We help people across the globe find work that provide you the flexibility you want and the benefit you need. Remote work benefit. Agar aap pe remote work, karte ho, work from home job. Lete ho, तो वी ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट पैकेज दैट इंक्लूड पेड ट्रेनिंग पेड टाइम ऑफ विजन डेंटल एंड हेल्थ बेनिफिट्स फ्लेक्सीबल शेड्यूलिंग बेस्ड ऑन प्रोग्राम नीड्स परफॉर्मेंस इंसेंटिवस ऑन सेलेक्टेड प्रोग्राम्स वर्ल्ड क्लास वर्चुअल सपोर्ट करियर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सेलेक्ट होने के बाद जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो भी पेड होगी कंपनी आपको उसका पैसा देगी ओपन पोजीशंस भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो चेक ऑल अवेलेबल पोजीशंस ये मैं आपको आगे बताऊंगी आपको कैसे अप्लाई करना है लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो लेट गेट यू स्टार्टेड एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव एम बी पी एस ऑफ इंटरनेट लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर फ्रॉम सदरलैंड हैंडसेट फ्रॉम सदरलैंड मोबाइल फोन फॉर कम्युनिकेशन तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे सदरलैंड प्रोवाइड करेगी तो यहाँ पे जो ओपनिंग अभी चल रही है वो है एसोसिएट बैक ऑफिस एनालिस्ट के लिए परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है लोकेशन है कोची कोची से ये हायरिंग चल रही है लेकिन वर्क फ्रॉम होम ये जॉब रहेगी कंपनी डिस्क्रिप्शन सदरलैंड इज सीकिंग एन अटेंटिव एंड गोल ओरिएंटेड पर्सन टू ज्वाइन अस एज बैक ऑफिस एनालिस्ट वी आर अ ग्रुप ऑफ ड्रिवन एंड हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स इफ यू आर लुकिंग टू बिल्ड अ फुलफिलिंग करियर And are confident you have the skills and experience to help us succeed. We want you to work with us. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जब रिज्यूमे आप प्रिपेयर करोगे तो ये लाइन आप जरूर मैंशन करोगे सीकिंग एन अटेंटिव एंड गोल ओरिएटेड पर्सन साथ ही जो उन्होंने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है वो चीज़ें भी आप अपने हिसाब से लेके अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो Job description back office analyst in this role get to control and coordinate to help the artificial intelligence by selecting the right flow to continue the interaction or enter text where the system cannot comprehend what the customer is saying in the shortest amount of time respond all the interaction received in the day effectively and efficiently हैंडल कंप्यूटर सिस्टम कॉन्स्टेंटली डिलीवर अचीव ऑल agreed के अब यहाँ पे आपको हेल्प करनी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सी जगह में ऐसी कुछ क्वेरीज आ जाती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसे नहीं समझ पाता है कस्टमर यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है और क्या कह रहा है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझानी होगी इसके साथ ही आपको हैंडल करने होंगे कंप्यूटर सिस्टम्स को कॉन्स्टेंटली डिलीवर करना होगा और अचीव करने होंगे ऑल एग्रीड के को क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें आर मोस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट मोस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट विल हैव हाई स्कूल डिग्री तो हाई स्कूल डिग्री तो एटलीस्ट होनी चाहिए इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा एक्सपीरियंस वर्किंग इन कस्टमर सेंट्रिक इन्वायरमेंट इज़ प्लस तो अगर आपने ऑलरेडी कहीं वर्क किया हुआ है तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो एक्सपीरियंस इन ऑर्डर प्रोसेसिंग और बैक ऑफिस इज प्लस वर्क प्रो एक्टिवली टू इंश्योर पोटेंशियल इश्यूज आर एस्कुलेटेड प्रॉपरली इमीडिएट एडवांस्ड इंग्लिश लेवल विद एक्सलेंट कॉम्प्रिहेंसन स्किल्स तो यहाँ पे इंग्लिश रिक्वायर्ड रहेगी वो भी एडवांस्ड इंग्लिश यहाँ पे चाहिए हाई टाइपिंग स्किल्स एबिलिटी टू विद स्टैंड रिपिटेटिव वर्क एबल टू वर्क पॉजिटिवली इन फास्ट स्पेस चेंजिंग इन्वामेंट एबिलिटी टू मल्टीटासक एंड हैव एक्सिलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स सीज थ्रू दी आईज ऑफ कस्टमर आर्टिकुलेट ब्राइट एंड क्यूरियस पैशनेट अबाउट सर्विस तो ये यहाँ पर जॉब रोल भी बता दिया है इन्होंने साथ ही क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड हैं वो भी इन्होंने मैंशन कर दी हैं

या फिर अप्लाई विद इंडीट या फिर रिज्यूमे को ब्राउज कर सकते हो जैसे ही आप रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ई फ़ोन नंबर आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल आउट हो जाएगा आपको यहाँ पे कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इवन आपका एक्सपीरियंस एजुकेशन वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपनी लिंकड प्रोफाइल का लिंक देना चाहते हो फेसबुक का ट्विटर का वेबसाइट का या फिर कोई अपना रिज्यूम अपलोड करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है मैसेज टू हायरिंग मैनेजर और अगर आप कोई मैसेज लिखना चाहते हो हायरिंग मैनेजर के लिए वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो इसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे आर यू प्रेजेंटली 18 ईयर ऑफ एज और ओल्डर तो यस yes करना होगा हैव यू क्लेयर्ड इंटरमीडिएट ट्वेल्थ और टेंथ प्लस टू ईयर डिप्लोमा या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा है आपने टेन प्लस टू किया हुआ है तो आपको येस yes करना होगा बेसिकली ये जो आप ट्वेल्थ क्लास के लिए यहाँ पे आई हुई है हैव यू वर्क फॉर सदरलैंड बिफोर तो मैंने काम नहीं किया है तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है हैव यू बीन कन्विंस्ड फेलनी और एनी क्रिमिनल ऑफेंस तो नो करना है एंड देन चेकबॉक्स में टिक करके सबमिट कर देंगे सबमिट करने के बाद योर एप्लीकेशन एट सदर लैंड हैज़ बीन सबमिटेड इम्प्रूव योर एप्लीकेशन एक्सपीरियंस विद स्मार्टर तो यहाँ पे आप पासवर्ड क्रिएट भी कर सकते हो फॉर स्मार्टर अकाउंट अब जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल कर लोगे आपके पास ईमेल आ जाएगा दो से तीन ईमेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें पहले आपके एप्लीकेशन सबमिशन के लिए मेल होगा सेकेंड मेल में ये चेक किया जाएगा आपका जो पीसी है वो कंपेटेबल है या नहीं है और जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हो वो रिलायबल है या नहीं है ये करना कंपलसरी नहीं रहेगा लेकिन जो आपका असेसमेंट टेस्ट का मेल है वो आपको चेक करना होगा जिस टाइप का मेल आपको दिखाई देगा सदरलैंड एंड यू टू टेक अ वर्चुअल एक्सपीरियंस यू आर इन्वाइटेड टू कम्प्लीट अ वर्चुअल एक्सपीरियंस विथ सदरलैंड तो इसमें आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके देखना है गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा और आपका असमेंट टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा लेकिन इससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको कम्प्लीट करनी है जैसे आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो रिलाईबल होना चाहिए और एक किसी क्वाइट लोकेशन में जाके एटलीस्ट थर्टी मिनट का ये टेस्ट चलेगा तो थर्टी मिनट्स के लिए आपके पास से क्वाइट लोकेशन होनी चाहिए देन ग्रैब योर लैपटॉप डेस्क टॉप और मोबाइल डिवाइस इन सेटल इन लैपटॉप डेस्क टॉप या मोबाइल के साथ आपको बैठ जाना है टेस्ट देने के लिए रिव्यू द क्वेश्चन एंड वेन यू आर रेडी टू रिस्पॉन्ड स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर ऑडियो रिस्पॉन्सेज तो जैसे ही आप रेडी हों टेस्ट को देने के लिए आपको उस टाइम टेस्ट को स्टार्ट करना है यू कैन रिव्यू योर रिस्पॉन्ड एंड री रिकॉर्ड देम इफ नीडेड तो अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप उसे री re रिकॉर्ड भी कर सकते हो

आर यू रेडी इट स्टार्टेड में क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन होगा कॉन्सेंट और लॉफुल बेस सिलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा तो इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा एक्सेप्ट करने के बाद लेट्स मेक श्योर ऑडियो इज़ वर्किंग सेलेक्ट स्पीकर आइकन यू शुड हेयर अ बीप तो जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करोगे एक बीप आएगा अगर आपने वो बीप सुना तो आपको येस yes क्लिक करना है और अगर बीप नहीं सुनाई दिया तो आपको नो no पे क्लिक करना होगा थैंक यू सेलेक्ट नेक्स्ट टू बिकेन तो अब नेक्स्ट करना है दिस असेसमेंट रिक्वायर्ड ऑडियो एंड एक्सटर्नल की बोर्ड इफ़ यू डू नॉट हैव ऑडियो एंड एक्सटर्नल की बोर्ड प्लीज यूज़ अ डिफरेंट डिवाइस सेलेक्ट द नेक्स्ट बटन टू बिगेन वेलकम एंड थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन अ के अपॉर्चुनिटी विद सदरलैंड एज द कंसल्टेंट एट सदरलैंड यू विल हेल्प आर वेल्यूड क्लाइंट्स वाई यू ग्रो लर्न एंड डेवलप प्रोफेशनली Through the virtual job tryout, you will have the opportunity to decide if this job is right fit for you. Next नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पे आपको कंसल्टेंट की जॉब क्या होती है कैसे काम होता है वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है ताकि आगे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, उनका आप करेक्ट आंसर दे पाओ बिफोर यू गेट स्टार्टड कीप इन माइंड सेट असाइड अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी फ़ाइव मिनट्स जो अप्रोक्स ट्वेंटी फाइव मिनट यहाँ पर आपके पास होने चाहिए टेस्ट देने के लिए कम्प्लीट इन अ डिस्ट्रेक्शन फ्री इन्वायरमेंट तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए बी वन बी ओपन एंड ऑनेस्ट तो जो भी आप आंसर दोगे वो ऑनेस्टली आपको आंसर देने होंगे ड्यूरिंग वर्क विद कस्टमर्स यू विल प्ले द पार्ट ऑफ कंसल्टेंट एंड टेल एस हाउ यू वुड रिस्पॉन्ड टू अ वायटी ऑफ सिचुएशन नोट दैट द सिचुएशन आर फिकटिशियस बट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ सिचुएशन ऑफर एनकाउंटर्ड ऑन दी जॉब सेलेक्ट नेक्स्ट टू सी दी एग्जाम्पल तो जो भी आपको जॉब में देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग एज अ कंसल्टेंट आप कस्टमर को सिचुएशन के हिसाब से कैसे हैंडल करोगे वो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होंगे अब जो क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो है रीड दी सिनेरियो एंड रीड द रिस्पॉन्स तो आपको पहले सिनेरियो पढ़ना है तो आपको यहाँ पे दो सिनेरियो चूज करने होंगे एक सिनेरियो पिक वन मोस्ट होना चाहिए और एक पिक वन लीस्ट होना चाहिए जो रिस्पॉन्स आपको बिल्कुल लीस्ट लगता है उसमें आपको पिंक चूज करना है पिक वन लीस्ट एंड जो आपको पिक वन मोस्ट लगता है उसके लिए आपको ब्लू चूज करना है तो मोस्ट और लीस्ट के हिसाब से आपको दो रिस्पॉन्स यहाँ पे चूज करने होंगे टिप्स टू रिमेंबर Once you select next, you cannot go back. No time limit, but work quickly. Take approximately eight minutes. Number of question है seven. तो so eight minutes में आप seven questions के answer easily दे सकते हो. वैसे भी tick mark questions हैं. आपको यहाँ पे कुछ भी type नहीं करना है. सिर्फ आपको answer को select करना है. You are speaking with customer who has called multiple time in the last two week about the same issue. The customer is upset. But you review the notes and conclude there is nothing you can do at this time. What would you be most and least likely to do or say? तो आप यहाँ पे मोस्ट लाइकली क्या करोगे एंड लीस्ट लाइकली क्या करोगे वो आंसर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है आपको भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देना होगा

नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कस्टमर इज अपसेट अबाउट एन इंट्रैक्शन विद वन ऑफ योर यू बी मोस्ट एंड लीस्ट लाइकली टू डू और से तो यहाँ पे जो कस्टमर है वो डिसअपॉइंटेड है अपसेट है क्योंकि उसका इंट्रैक्शन आपके किसी कोवर्कर के साथ हुआ था और उस बात से वो कुछ अपसेट है उस इंटरेक्शन से वो अपसेट है तो यहाँ पे आपको मोस्ट और लीस्ट लाइकली आंसर को चूज करना होगा अ कस्टमर इज एंग्री अबाउट रिसीविंग मल्टीपल सेल्स कॉल What would you be most or least likely to do or say? Next question A customer does not understand why she received a past due notice. She paid every bill on time for the last few months after receiving her history. You notice she forgot a payment four months ago. Since then, every payment she has made has gone towards covering the past due bill. What would you be most and least likely to do or say? Next here, like many of our successful co-worker, you are accustomed to meeting your performance goals. Over the last few months, however, your productivity has dropped considerably. What, you, what would you be most or least likely to do or say? It is loud in your office and a customer is becoming irritated. वट वुड यू बी मोस्ट और लीस्ट लाइकली टू डू और से ना वे विल आस्क यू टू प्ले द रोल ऑफ अ कंसल्टेंट एंड हैंडल अ फ्यू कस्टमर इंट्रैक्शंस नेक्स्ट करेंगे और अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो फर्स्ट यू विल लिसन टू एन इंट्रैक्शन बिट्वीन अ कस्टमर एंड अ कंसल्टेंट तो ऑटोमेटिकली ऑडियो प्ले होगा और ऑडियो प्ले होने के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कस्टमर की अगर वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है तो आपको मैच करना होगा और अगर इन्फॉर्मेशन में एरर है तो आपको क्रॉस क्रॉसपिटिक करना होगा तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्ले होंगे और उनके आंसर भी आप चेक कर सकते हो टेल एस योर स्टोरी अब यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस अपना बैकग्राउंड शेयर करना होगा टिप्स टू रिमेम्बर बी ओपन एंड ऑनेस्ट वर्क क्विकली डोंट स्पेंड टू लॉन्ग ऑन एनी वन क्वेश्चन वंस यू रिस्पॉन्ड यू विल ऑटोमेटिकली एडवांस यू कैन ओनली गो बैक वन क्वेश्चन टेक अप्रोक्सीमेटली वन मिनट नंबर ऑफ क्वेश्चन इलेवन तो इलेवन क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे और हर एक क्वेश्चन में आप अप्रॉक्सीमेटली वन मिनट ले सकते हो अगर आप एक बार क्वेश्चन को जंप कर दिया तो आप सिर्फ़ एक क्वेश्चन को ही बैक कर सकते हो उससे ज़्यादा क्वेश्चन को आप बैक नहीं कर सकते हो पहला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे और हैव यू बीन विद योर मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयर तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर सकते हो अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल दिस वुड बी माय फर्स्ट जॉब में टिक करेंगे इन द लास्ट फोर इयर्स हाउ मेनी डिफरेंट कंपनीज़ यू हैव वर्क फॉर तो अगर आप फ्रेशर हो तो जीरो करेंगे हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बिन डिसिप्लिन फॉर वायलेटिंग अ पॉलिसी एट वर्क और स्कूल तो अगर आपने कहीं काम किया है तो उस जगह पे आपने कोई पॉलिसी वायलेट की है तो वो आपको यहाँ पे मैंशन करना होगा या फिर अपने स्कूल में अटेंडेंस रूल प्रोसीजर्स में तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अदरवाइज आपको जीरो पे ही टिक करना होगा इफ कॉन्टेक्टेड हाउ वुड योर सुपरवाइजर एट वर्क और स्कूल रेट योर लिस्निंग स्किल्स कम्पेयर टू अदर्स अब आपको यहाँ पे अपनी लिसनिंग स्किल्स को रेट करना है द वेरी बेस्ट अमंग द बेस्ट अबव एवरेज एवरेज नीडिंग सम डेवलपमेंट नीडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इसमें से जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग करेक्ट लगता है अपनी लिसनिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग आप अपने आप को रेटिंग देनी होगी इफ़ कॉन्टेक्टेड हाउ वुड योर सुपरवाइजर एट वर्क और स्कूल रेट योर इंटरपर्सनल स्किल्स कंपेयर टू अदर्स फिर से आपको यहाँ पर सेम रेटिंग देनी होगी हाउ मैनी फुल टाइम जॉब्स हैव यू हेल्ड दैट लास्ट एड लेस देन सिक्स मंथ तो ऐसे ही अगर आपने कोई जॉब की है जिसमें आपने सिक्स मंथ से कम काम किया हो तो वो आपको यहाँ पर मैंशन करना होगा वट इज द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव स्टेड with वन employer? तो अगर आपने जॉब किया है तो वो आप यहाँ पर मैंशन करोगे और अगर फ्रेशर रहे हो तो नॉट एप्लीकेबल दिस वुड बी माई फर्स्ट जॉब में टेक करेंगे कस्टमर एंड क्लाइंट कैन बी कैन बी चैलेंजिंग एट टाइम्स हाउ ऑफन हैव यू हैड टू रेस योर वॉइस टू अ कस्टमर और क्लाइंट तो अब ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देना होगा हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक टू वर्क इन कॉल सेंटर तो अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो कितने साल तक आप कॉल सेंटर में काम करना चाहते हो वन टू टू ईयर टू टू फाइव ईयर फाइव टू टेन ईयर मोर देन टेन ईयर्स डिस्क्राइब योर अप्रोच एवरी वन ब्रिंग्स यूनिक स्टाइल एट्रीब्यूट्स एंड स्किल्स टू देयर जॉब मैनी पीपल इंजॉय द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस जॉब बट अदर डिस्क्राइब दे आर बेटर सुटेड फॉर समथिंग एल्स नेक्स्ट वी वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट यूर प्रिफर्ड स्टाइल एंड अप्रोच टू वर्क एग्जाम्पल फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट डिस्क्राइब विच बेस्ट रिफ्लेक्ट यूर स्टाइल सेलेक्ट नेक्स्ट टू कंटिन्यू द इंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको मिलेंगे आपको उन दोनों स्टेटमेंट में से भी चूज करना होगा कौन सा स्टेटमेंट आपको बेस्ट डिस्क्राइब करता है और वो जो स्टेटमेंट है वो आपको मोस्ट लाइक मी डिस्क्राइब करता है या फिर सम वर्ट लाइक मी डिस्क्राइब करता है टिप्स टू रिमेंबर थिंक योर वर्क सिचुएशंस बी योर सेल्फ वर्क क्विकली डू नॉट स्पेंड टू लॉन्ग ऑन एनी वन क्वेश्चन वंस यू रिस्पॉन्ड यू विल ऑटोमेटिकली एडवांस यू कैन ओनली गो बैक वन क्वेश्चन टेक अप्रॉक्सिमेटली टू मिनट्स नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ट्वेंटी फोर रहेंगे और इन क्वेश्चन का आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना होगा तो सारे ही क्वेश्चन वन बाय वन में स्क्रीन पे यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो वीडियो की स्पीड भी स्लो कर सकते हो सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है सिचुएशन बेस्ड ही क्वेश्चन रहेंगे उन सिचुएशन में आप क्या आंसर देते हो और कौन सी सिचुएशन आपको बेस्ट सूट करती है वो आपको यहाँ पे मैंशन करना होगा ंग्रेचुलेसन यू हैव कंप्लीटेड योर कंसल्टेंट वर्चुअल जॉब ट्राई आउट वी सिंसियरली थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एफर्ट नाउ वी वुड लाइक टू हेयर वॉट यू थिंक अबाउट योर एक्सपीरियंस अब आपको इस टेस्ट का फीडबैक देना होगा आपको टेस्ट देने में कैसा लगा क्या डिफिकल्टीज आई दी वर्चुअल जॉब ट्राई आउट इंस्ट्रक्शंस वर क्लियर एंड ईजी टू फॉलो एग्री वर्चुअल जॉब ट्राई आउट प्रोवाइड मी With a better understanding of the role. Strongly agree. Having participated in the virtual job tryout experience, I am better equipped to determine if this role is right for me. Agree. Based on my experience, I would gladly tell my friends about employment opportunities at this organization. Agree. Did you have any technical problem during? वर्चुअल जॉब ट्राई आउट नो प्रॉब्लम प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल कॉमेंट्स तो अगर आप एडिशनल कॉमेंट्स शेयर करना चाहते हो तो वो आप टाइप कर सकते हो अदरवाइज इसको नेक्स्ट कर सकते हो तो so, ऐसे आप यहां पे फॉर्म फिल करोगे और जैसे ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आपको एक मेल मिलेगा कंग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड दी वर्चुअल एक्सपीरियंस फॉर द जॉब एसोसिएट बैक ऑफिस एनालिस्ट पोजिशन एट सदरलैंड और अगर आपका ये असेसमेंट टेस्ट क्लियर होता है तो वोटिंग टीम विल रिव्यू योर वर्चुअल इंटरव्यू एंड देन फॉलो अप विद यू रिगार्डिंग नेक्स्ट स्टेप